प्रदेश में पिछले महीने 4 चरणों में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना का सिलसिला अभी जारी है और लगातार चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में करारी शिकस्त मिली है, जबकि इन जिलों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अब तक के 4 साल के कार्यकाल में खासी मेहरबानी दिखाई है। बीजेपी सरकार के एजेंडे में शामिल रहे इन तीनों जिलों में समाजवादी पार्टी और बसपा को मिली जीत का एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। रामनगरी अयोध्या में बीजेपी को जिला पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटें हैं, जिनमें से 24 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं। यही नहीं, यहां 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में सफल रहे हैं। वैसे अयोध्या में बीजेपी का खेल बागियों ने बिगाड़ा है, क्योंकि पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर 13 सीटों पर बागी मैदान में थे। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ जनता ने बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस से लगभग बाहर कर दिया है। अयोध्या के बाद काशी में भी जिला पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए डरावने साबित हुए हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत की 40 सीटें हैं, इनमें से सपा ने 14, बीजेपी ने 8 और अपना दल यानी AS ने 3, आम आदमी पार्टी और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की 16, देव भारतीय समाज पार्टी ने 1-1 सीट पर कब्जा जमाया है, जबकि 3 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। वहीं बात अगर मथुरा की करें तो मथुरा की भगवान श्री कृष्ण की वजह से दुनिया भर में खासी पहचान है। यही नहीं, यूपी की योगी सरकार मथुरा के विकास के लिए भी लगातार काम कर रही है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में नतीजे विपरीत सामने आए हैं, जो कि बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा सियासी संदेश माने जा रहे हैं। मथुरा में बसपा ने 12 सीट पर बाजी मारकर अपना दम दिखाया है, तो RLD ने 9 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटों पर ही कब्जा जमाया है। इसके अलावा सपा ने 1 सीट, तो 3 पर निर्दलियों ने अपना परचम लहराने में सफल हो पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।